सो ये फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। सो गाइस, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आप सभी को पता होगा थोड़ा सा मेडिकल का रिव्यू का आज मैंने नहीं दिया था, तो मैंने सोचा पहले आज मेडिकल का रिव्यू दे दिया जाए, उसके बाद कुछ अलग थिंग करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बिना टाइम लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने पास काफ़ी सेंटर्स का रिव्यू है गाइस, यहाँ पे 2 से 3 दिन से मतलब काफ़ी गाइस कैंडिडेट्स हैं जो अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस देखिए, पहले तो एक दो मैंने मतलब बेस्ट कमेंट्स भी पिक किए हैं, 2 से 3 पहले कमेंट्स हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने अपने कमेंट पर भी बताया कि कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, कितने को नहीं किया जा रहा है, वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे सर मेरे को एक पॉइंट मिला है, वो भी ECG में, क्या होगा क्लियर प्लीज़। यहाँ पे 17 जुलाई गाजियाबाद में प्लीज़ रिप्लाई। तो गाइस यहाँ पे इनका आई थिंक 17 जुलाई को गाजियाबाद में मिला है रिप्लाई, तो भाई ECG का देखिए 70% चांस है आपका और 75% कि वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ ही चीज़ें करना, जैसे कि इस बार कुछ कैंडिडेट्स बता रहे थे कि ऐसा कीजिए कि भाई पानी वगैरह पीकर जाइए, तो पानी वगैरह पीकर जाइए अगर भाई ऐसा कुछ है प्रोसेस कि पानी पीकर अगर बी चिल एंड अगर पानी वगैरह पी के जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, और ये अमित यादव ने काफ़ी अच्छे खासे नंबर एक्स ग्रुप पे मतलब कमेंट किए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। भाई फाइनल मेरिट पर वीडियो कब आएगी, तो भाई फाइनल मेरिट पर वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है आपका 25 जुलाई को। अभी बता देता हूँ 25 जुलाई को यहाँ पे फ्रेंड्स 8 बजे आपका वीडियो रिलीज करूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करूँगा और मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी मतलब अलग अलग थिंग्स की हेल्प ली है, वो मैं आप सभी को बता दूंगा कहाँ से मैंने हेल्प ली है। ठीक है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बट आप सभी को पता होगा। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ से टेलीग्राम वगैरह से जहाँ से जो हेल्प मिलेगी मैंने वहाँ से नंबर्स पिक किए आप सभी के लिए, और उनको रिवील नहीं करूँगा बट गाइस यहाँ पे वो बता दूंगा कि इतने वगैरह यहाँ से कुछ ऐसा फंडा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थिंग डिस्कस करता हूँ, डिफेंस नोटिफिकेशन ने गाइस यहाँ पे कुछ शेयर किया, 27 रेड कार्ड एंड 16 ग्रीन कार्ड, आई गॉट अ रेड कार्ड इन ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे गाइस इन्हें ब्लड पे यहाँ पे इनको मिला है बैरकपुर का, ये रिव्यू होने वाला है। 43 प्रेजेंट थे एंड 2 कैंडिडेट यहाँ पे एबसेंट थे। तो गाइस आप भी अपना रिव्यू अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करना है, ऐसे ही आप जाके अपना मतलब शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी जाके कर सकते हैं, आपको मेरे कॉम्पिटी टैब पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जर सर माइल्ड DRS का पॉइंट भी बनाए, प्लीज़ रिप्लाई सर जी। तो यहाँ पे भाई एक बात बता दूँ, आपको याद रखना पड़ेगा जुगल पटेल की, अब देखिए माइल्ड DRS बनाए तो DRS का पॉइंट तो मिला है, अगर उधर से मिला है तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपका उधर 100% क्लियर ही हो जाएगा, बट अगर आप ऑपरेशन करा के जाते हैं तो 95% मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे चांस है कि आपका क्लियर होने वाला है। सो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये देखिए वडोदरा 10 जुलाई 21 ग्रीन कार्ड 23 रेड कार्ड, भाई नोजल फॉलोअप का पॉइंट बनाए, क्या करूँ बताओ, बताने वाला हूँ। एक्स पे कुछ बताया है 42.5 एंड वाई पे भाई के अच्छे खासे नंबर हैं बोथ ग्रुप्स पे। ठीक है, वाई पे देखिए 47.5 नंबर है अनफिट इन आई एंड फाइल्स, तो अभी वाई का अनफिट पे आई पे आई वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट है किसका, तो 11 जुलाई गाजियाबाद 23 को ग्रीन कार्ड। ठीक है, सेम गोरखपुर का रिव्यू नहीं दिया भाई मैंने, बहुत सेंटर्स गोरखपुर, कोई भी सेंटर नहीं बाकी जिसका रिव्यू मैंने नहीं दिया हो। ठीक है, कानपुर में कहाँ रिपोर्ट करना है, SMC में या 7 IF हॉस्पिटल में, तो गाइज SMC में ही पहले रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, 3SC चकेरी कानपुर, मेरा लेफ्ट आई में थोड़ा डाइवर्जन है, फिट करेंगे मुझे मस्ट रिप्लाई, तो भाई क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा बार अगर होगा तो कर देंगे, बट अगर ज़्यादा कुछ होने वाला है हिमांशु चौहान तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आवाज़ अगर थोड़ा सा गाइस स्लो है तो उसका मतलब उसे इग्नोर मारा। एंड ब्रदर आई वॉन्ट टू टेल समथिंग डिफरेंट, 7 हाँ यहाँ पे देखिए कुछ दलेल सिंह ने आपने कुछ रिव्यू शेयर किया है, ब्रदर आई वॉन्ट टू टेल मतलब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मेडिकल का शेयर किया है, 17 को था दिल्ली गाइज, यहाँ पे 17 तारीख को बताया 41 प्रेजेंट थे गाइज, यहाँ पे 4 कैंडिडेट एबसेंट थे। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है, 15 फेट हुए, री मेडिकल फॉर्म फिल करते टाइम 5 एबसेंट हुए गाइज, जब री मेडिकल फॉर्म फिल कर रहे थे तब 5 एबसेंट थे वहाँ पे, मीन्स टोटल 45% 9 तो डायरेक्ट आउट हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई है, ये देखिए 9 कैंडिडेट तो यहाँ पे अनफिट ही थे। ठीक है, जब री मेडिकल फॉर्म फिल करा रहे थे तो वहाँ पे 9 कैंडिडेट ही नहीं थे, मतलब कि मतलब पहले चार नहीं थे, उसके बाद 5 और नहीं थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं इनके कमेंट्स हैं। तो गाइस ये देखिए कुछ कमेंट्स पे इन्होंने शेयर किए थे, ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट कमेंट्स लगे वो मैंने पिक किए थे। अब उसके बाद सीधा चलता हूँ व्हाट्सएप पे और डिस्कस करता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू यहाँ पे मिला है काफ़ी सेंटर्स का, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स ने रिव्यू शेयर किया है, तो पहले तो यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या शेयर किया। तो गाइस यहाँ का जो मेडिकल है, हेलो भाई थैंक्स, आप कैंडिडेट्स कितनी हेल्प कर रहे हो, तो कोई नहीं भाई। ठीक है, एंड यार अभी तक पर भी अमला का रिव्यू नहीं देखा, तो अमला का यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट हो चुका है 11 से। अच्छा गाइस यहाँ पे मैंने इनसे कुछ पहले बात किया था, बट देखते हैं
11 जुलाई को इन्होंने कुछ ऐसा बताया है। उसके बाद वेलकम सर, अमला का पता चले तो ज़रूर बताना। हाँ भाई, इनका अमला में था आज का, और ये देखिए बताया उन्होंने, भाई आज अमला में था, मेरा 44 आए थे, 1 अपसेंट था। भाई इससे पहले भी इन्होंने वहाँ का शेयर किया, क्योंकि इनको पता था, मतलब इनका वहाँ पे था, तो इन्होंने मतलब पता लगाने का ट्राई किया होगा कुछ अमला का प्रोसेस, तो इनको पता चला, तो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया। तो थैंक यू सो मच भाई, और नाम बताया होगा, अभी देखते हैं आपका नाम भी होगा तो देखते हैं उसे भी। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या अमला का प्रोसेस रहा है। भाई आज अमला में था मेरा, 44 आए थे, 1 अपसेंट था, बाकी का सेम प्रोसेस का, ब्लड लिया, यूरिन लिया, 70% बच्चों को DNS मिला है। गाइस सबसे बड़ा बात DNS, अब DNS में देखिए यहाँ पे DNS, आई थिंक अभी कुछ कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा DNS होता क्या है। DNS गाइस होता क्या है कि आपका जो इधर नोज होता है उसका जो सामने का मतलब बोन होता है वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होता है, ठीक है, ये DNS पे पॉइंट बना देता है, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम को ही DNS दे रहे हैं, ठीक है, 70% मतलब बहुत होता है भाई 70%। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन करवाया हुआ था, उनको भी DNS दे दिया, तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा भी फंडा होने वाला है, बट वो कैंडिडेट आराम से रिमेट कर क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। 70% कैंडिडेट्स को मिला है, तो यहाँ पे आराम से बता दूँ 55 to 60 आराम से क्लियर करने वाले आपका री मेडिकल DNS वाले, ठीक है। ECG में बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि दो ही पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और दो ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे DNS का मतलब ज़्यादा सुनने को मिला है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा ECG, उसके बाद DNS, ठीक है। जिस बच्चे का पहली बार ECG बॉर्डर के पास होता है तो उसका वो फिर से लेते हैं, पर जिसका ज़्यादा है उनका नहीं लेते हैं, मतलब उनको जिस कुछ कैंडिडेट पे जैसे ECG हुआ, ठीक है, अब ECG पे ज़्यादा कैंडिडेट फंस रहे हैं तो दोबारा तो करते ही हैं, बट जिनका पहले से एक लेवल है उससे ज़्यादा है तो उनका दोबारा नहीं करते कि मतलब इसका अब नहीं होने वाला, मतलब इसे हटाओ, ठीक है। और भाई मेडिकल नॉर्मल है, चिल होके जाओ, हो जाएगा। और बाकी कैंडिडेट्स को एडवाइस है कि एक दिन एक्स्ट्रा रुकने के इंतज़ार करके कर लें, क्योंकि कुछ ही खुशनसीब हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, जैसे यहाँ आज 15 को ग्रीन कार्ड मिला है, तो कैसे वहाँ पे केवल 15 कैंडिडेट्स को ग्रीन कार्ड मिला है, 45 में एक प्रेजेंट अब्सेंट था, मतलब 44 में, ठीक है, मुझे रेड कार्ड मिला है, और कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। तो थैंक यू सो मच भाई, एंड मैंने कहा थैंक यू और तो उन्होंने कहा वेलकम। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस के लिंक भी उन्हें शेयर किए थे, तो अब उसके बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने अमला का प्रोसेस दिया, तो थैंक यू। सो नेक्स्ट यहाँ पे गाइस देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ का रिव्यू होने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू है, वडोदरा का है, थोड़ा सा फास्ट क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, मतलब इन्होंने शेयर अभी ही किया है हाल ही में, बट कल का है। बट यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये मतलब आज 12 जुलाई आज 19th ऑफ जुलाई है, तो इसे भी देख लेते हैं फास्ट। 45 में से 23 प्रेजेंट, 21 ग्रीन कार्ड, 22 रेड कार्ड, आई गॉट अ रेड कार्ड फॉर ईयरवैक्स, ठीक है, तो ईयरवैक्स मतलब कान में कूट वगैरह की वजह से इनको जो बोलते हैं गाइज ना कुछ ऐसा, वहाँ पे कुछ ऐसा रेड कार्ड इनको मिला है। 6:30 पर एंट्री मिली एयरफोर्स स्टेशन का हॉस्पिटल में, सबको बस से ले जाया गया, ठीक है, देन ब्लड हुआ, फिर हमें ब्रेकफास्ट कराया गया, 65 रुपीज़ लगे, एंड ब्लड एक बार फिर मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हुआ था, यूरिन, हाइट, वेट हुआ, एंड बिलीव मी स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था कि हाइट वेट में जिसका 1-2 इंच या 1-2 किलोग्राम या ज़्यादा था वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहे थे, मीन्स गाइस फिट कर रहे थे, 1-2 किलो वेट वगैरह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देन ECG, BP, एक्सरे हुआ, उसके बाद विजन टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, देन दे गेव अस लंच, आफ्टर दैट प्राइवेट पार्ट्स चेक हुए, हाँ, हीमोरॉइड्स, ठीक है, वेरोसिली, ATC एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ ऐसा चेक हुआ, फिर बॉडी चेक हुई, मतलब फ्लैट फुट, हैंड बैंड, ETC मेरे हैंड बैंड में उनको डाउट हुआ, सो उन्होंने प्रोटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर किया, लेकिन भगवान की दुआ से सब सही था, ओके, वेल डन। फिर हमारा ईयर चेक हुआ, आई डिड नॉट गेट माई वैक्स क्लीन बिफोर गोइंग फॉर मेडिसिन, सो उन्होंने मेरा ईयर्स नहीं चेक किया, इनके कहने का मतलब मैं जब मेडिकल गया था तो मैंने अपने कानों का जो ईयर वैक्स होता है वो क्लीन नहीं कराया था, बट उन्होंने चेक भी नहीं किया, ठीक है। देन हमारा हियरिंग टेस्ट हुआ, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, क्योंकि अगले दिन सैटरडे था और बैंक हॉलीडे होता है, इसलिए उन्होंने 50-50 रुपीज़ सबसे लेकर 3 बच्चों को बैंक भेज दिया, और इस वजह से कुछ चीज़ें जैसे स्वीट पॉम, ETC चेक ही नहीं हुए, ठीक है, कुछ देखिए हंसी वाला, इन्होंने लाफिंग वाला एंगल भी बना दिया, योमजी, ठीक है, बच्चों को बैंक MRO बनवाने के लिए भेज दिया, उसके बाद फिर वे हर बच्चे के पॉइंट फिर से बुला कर देख रहे थे, और यहीं पे बहुत लोगों को पॉइंट्स क्लियर कर दिए उन्होंने। फॉर एक्स मेरे जस्ट आगे वाला, उसका हाथ जब चेक हो रहा था तो डॉक्टर ने पेपर में 3-4 पॉइंट नोट करवाए, लेकिन दोबारा जब बुलाया गया तब शायद पॉइंट्स क्लियर कर दिया उन्होंने, और उसे भी ग्रीन कार्ड मिल गया। ऐसे 7-8 बंदे थे। फिर शाम को स्नैक्स मिला,
और शाम 8 बजे के करीब कार्ड्स बांटे गए, फिर मुझे सिर्फ ईयर वैक्स का पॉइंट मिला है। तो गाइज आप खुद देखिए, ईयर वैक्स का पॉइंट मिला है तो कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है, ठीक है, आपका आराम से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला कॉमन पॉइंट्स जो और बच्चों को मिले हैं, तो उन्होंने ये भी शेयर किया, काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिव्यू शेयर किया। वैसे गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हूँ, बट इन्होंने अपना जो रिव्यू, मैं नहीं लेट हूँ गाइज, ये लेट है, ठीक है, इन्होंने मतलब 12th of July का रिव्यू है, बट काफ़ी अच्छा खासा शेयर किया है। इन्होंने बताया कॉमन पॉइंट्स जो बने वो क्या क्या बने, ECG एबनॉर्मलिटी, CVAS, हाई BP, एक्सटर्नल हेमोरोडिट्स, वेरोसली, ठीक है, हाइड्रोसील, कलर ब्लाइंडनेस, DNS, ठीक है, एनेमिया, मार्क एक कन्फ्यूज़न है, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है दोबारा पूरा मेडिकल होगा, क्या ये सच है? भाई ये सच नहीं है, बस आपका ईयर वैक्स ही चेक होने वाला है, आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे वेलकम सर, एंड यहाँ पे 48 मार्क है भाई के, तो टेंशन लेने के नेम नहीं, आपका इनरोलमेंट आपका PSL में आराम से नेम, पहले तो PSL में ही आएगा, उसके बाद इनरोलमेंट में आने वाला है, सो इसका भी टेंशन लेने का कोई नेट नहीं। आई थिंक उन्होंने कोई इमेज वगैरह नहीं शेयर किया, बट थैंक यू सो मच भाई, आपने अपना रिव्यू काफ़ी अच्छा खासा शेयर किया है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल रिव्यू शेयर किया, बट मैं सीरी के स्टार्टिंग के मतलब 3 ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, और यहाँ पे सबसे बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट यहाँ पे शेयर किया भाई ने, और दिखने वाला हूँ, ये देखिए उनका इमेज है, एंड काफ़ी कुछ उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा है, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है और बताया है कुछ बिल्कुल लेवल टाइप में, उन्होंने बताया सुन भाई रिव्यू शेयर करना है, यस भाई प्लीज़ शेयर यू रिव्यू, इट वाज ऑन 16 एट एयरफोर्स स्टेशन पालम। गाइज यहाँ पे डेली का रिव्यू है, और एयरफोर्स स्टेशन पालम मतलब न्यू डेली का है, ठीक, और गाइज देखिए 6:30 पे रिपोर्टिंग थी, 43 प्रेजेंट आउट ऑफ 45 सबसे पहले एक हाल में इकट्ठा किया। गाइज बहुत बढ़िया इन्होंने शेयर किया, आप केवल देखना, ठीक है, यूरिन और ब्लड टेस्ट का फॉर्म फिल कराया, ऊपर गवर्नमेंट से उतराने को बोल दिया, चेस्ट नंबर लिखवा दिया, मार्कर से यूरिन सैंपल लिया सबसे पहले, मतलब यूरिन आप सभी जानते हैं, उसके बाद फास्टिंग ब्लड टेस्ट हुआ, ठीक है, ब्लड टेस्ट किया, फिर वापस उसी हॉल में इकट्ठा किया, ECG चेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, का फॉर्म फिल कराया, फिर चेस्ट एक्सरे हुआ, दो बैच बना दिए थे 11 to 22 के और दूसरा 23 to 45। अच्छा कहने का मतलब इनका कि दो बैच बना दिए थे यहाँ पे, और 1 से 22 तक और दूसरा 23 से 25 तक, उसके बाद एक बैच का एक्सरे होता रहा और एक का ECG, उसके बाद बैच 1 का हाइट वेस्ट चेस्ट मेजरमेंट हुआ, ऊपर लोअर बॉडी रेशियो कलर ब्लाइंडनेस भी यहीं चेक हुआ, फिर टीथ टेस्ट हुआ, देन उसके बाद BP और वहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दिए, उन्होंने अपने आप देखकर फिर उसके बाद लोकोमोशन के लिए लेकर गए एक हाल में, वहाँ सीनियर डॉक्टर्स थे, वहाँ पर लोअर जींस शॉर्ट ETC जो भी पहना था वो उतरवा दिए, बस अंडरवियर पहने गए उसमें, वहाँ रिस्ट नेक वेस्ट पैरों के जॉइंट्स का मूवमेंट करवा के दिखाया, ईयर्स भी वहीं चेक किए, टंग टीथ बैकबोन कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी, नॉकनी हैंड वैंड भी ये चेक किया, फिर अंडरवियर उतराने को बोला, ठीक है सॉरी, बट काफ़ी अच्छा कुछ शेयर किया भाई ने, देन पाइल्स पेनिस और टेस्टिस चेक किए, उसके बाद नीज चेक किए, स्क्वैट्स लगवाए, आवाज़ चेक कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आई चेक हुए, आई मशीन से चेक हो रही थी, चार्ट सिस्टम अपडेट कर दिया है वहाँ, ठीक है, ये दिल्ली का बताया, देखिए वहाँ पर लास्ट टाइम का मैंने कहीं पर देखा होगा, ठीक है, अब कुछ नया वहाँ पर होने वाला, इस तरह का उन्होंने बताया, मशीन से आई चेक हो रही थी, सॉरी मैं बताना भूल गया, हाइट वेट के बाद वापस बोल दिया, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद स्टोमच चेक कर गए, मतलब पेट वगैरह, देवर चेकिंग बाई हैंड्स अपने पेट से, मतलब हाथ से चेक कर रहे थे, ठीक है, लंबी सांस लेने को बोल रहे थे और स्टोमच प्रेस करके देख रहे थे, लंच करने को बोल दिया था, फिर उसके बाद जो मेजर डॉक्टर हैं वहाँ बुलाया, और वो जिनका माइनर पॉइंट्स थे उन्हें वापस बुला रही थी, ठीक है, एक बार चेक करने के लिए, और आइस प्रिस्क्रिप्शन वालों को भी फिर वहाँ जो भी माइनर पॉइंट्स थे वापस चेक किए, और हर कोशिश की कि उनके पॉइंट्स तोड़े जाएं, मतलब कि जो उनके पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए जाएं। गाइस काफ़ी मतलब वो लोग भी ट्राई करते रहते हैं हमेशा कि इनका जो पॉइंट बना है वो मतलब ज़्यादा माइनर पॉइंट है, तभी मेडिकल के रिफ़र करते हैं, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही कैंडिडेट्स को रिफ़र किया गया, ये आप सभी को पता होगा। स्टाफ बेस्ट था, अच्छा था, इनके कहने मतलब बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत हेल्पिंग और हम्बल नेचर के हैं, फिर इकट्ठे किया उसी हॉल में स्टार्टिंग वाले में, फिर वहाँ जिनका रीमेडिकल था मिला जी ने उन्हें ले गए फॉर्म फिल करवाने के लिए, और आउट ऑफ 45 15 गॉट अ ग्रीन कार्ड, ठीक है, और भाई ने अपना यहाँ पे देखिए ग्रीन कार्ड भी शेयर किया है, ठीक है, जो इनको मिल चुका है यहाँ पे देखिए, भवेश चौधरी नाम है इनका, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद देखिए और यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ उन्होंने गलत लिख दिया, बट मैं एग्री करता हूँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं और कुछ होते हैं बोलते हैं मेरा नंबर मत देना, तो ऐसा मतलब एग्री नहीं करता, ये लिए मेरा नंबर उन्होंने लिख दिया, बोले हैं कि जिसको भी नीड हो इस नंबर पर 9759785971 डेली का रिव्यू वही से लेना, वो कुछ भी आस करो जाके आस कर सकते हो। उन्होंने कहा भी कुछ ऐसा लिखा है, किसी भी को प्रॉब्लम हो तो मेरे पे कॉल करे कर ले, ठीक है। और ये कुछ उनका इमेज है, माय नेम इज भुवनेश चौधरी, हाँ रिप्लाई नहीं किया जरे, ठीक है हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा वीडियो कब बनाएंगे, तो गाइस यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा खासा शेयर कर दिया, जो कुछ ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन शेयर किया यहाँ पे आपका डेली सेंटर पे। अभी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आजकल मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, एंड कभी कैंडिडेट्स का और भी रिव्यू है तो वो नेक्स्ट लाने का प्रयास करूंगा जल्दी। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो पे इतना ही करता हूँ, वीडियो यहाँ पे हो चुका है ऑलमोस्ट 15 मिनट का, सो आपके लिए इनफ होने वाला है। और किसी सेंटर का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।